अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल बशीर और आप मुझे देख रहे हैं आपके YouTube चैनल FB Talks में। तो आज एक बहुत ही अहम अपडेट आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ही मेरे लिए हैरान कन भी थी और एक डुअल स्टैंडर्ड्स का एक मुँह बोलता सबूत है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था जब अमरीका ने अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज का इनखलाक किया था, तो उस पे एक मैंने अपना रिव्यू दिया था और ये रिव्यू बहुत हिस्टोरिक था, कॉज ये रिव्यू 20 साल से वेटेड था और जो प्रेडिक्शंस हो रही थी और इसके बारे में मैं जो सोचते थे कि जब इनकलाब होगा तो किस तरह के सरकमस्टेंसेस में होगा, जो कि 20 साल पहले ही दिखना शुरू हो गए थे जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था। तो ये रिव्यू मैंने इसको लफ्ज़ों में कन्वर्ट किया और इसको फेसबुक पे अपने पेज पर डाला। तो क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया इसको और इसमें जो तजियात थे उनसे एग्री भी किया और वाकई ये वही तजियात थे जो नॉर्मली दुनिया के लोग कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी थे। तो हुआ क्या कि फेसबुक ने अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट इसको डिलीट कर दिया और मुझे नोटिफाई किया कि ये हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, तो इसको हम अपने पास नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको डिलीट करें। आप चाहें तो इससे डिसएग्री कर सकते हैं और हमें रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे डिसएग्री भी किया और रिपोर्ट भी किया। तो अब मैं जो ये मेरी तहरीर है आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ ताकि आप इस पे बेहतर फैसला कर सकें। इसमें ऐसा क्या था जो कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ था, और क्या ये वही कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो इन लोगों की अपने फेवरेट्स के मुताबिक होते हैं और जो इसे डिसएग्री करे इससे इसको उसका निशाना बनाते हैं या उसको अपने उससे डिलीट कर देते हैं ताकि मज़ीद लोग इसको ना पढ़ सकें और इसके बारे में अपनी राय कायम ना कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं मेरी उस तहरीर को। प्लीज़ आप इस तहरीर को गौर से सुनिएगा और आखिर में अपनी आरा से ज़रूर इसमें दीजिएगा और बताइएगा किस हद तक ये बात ठीक है या किस हद तक ये बात ठीक नहीं है। और प्लीज़ इस पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो मैं तहरीर शुरू करता हूँ। ये बात है 2001 की, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस वक्त मैं ज़माना तालिब इल्मी में था और रोज़ाना नवाए वक्त पढ़ा करता था और इसके हर दूसरे रोज़ाना दूसरे सफ़ा पर यह इबारत नुमाया होती थी और कई साल रोज़ाना इसको देखना मामूल था। इस वक्त मैं समझने से कासिर था कि ये क्या है और रोज़ाना अखबार में नुमाया क्यों होता है। अफ़गान बाकी, कोसार बाकी, अलहुक्म लिल्लाह, अलमुल्क लिल्लाह, ये वो तहरीर थी। एक बुज़ुर्ग से सवाल किया कि ये तहरीर आखिर है क्या और इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। बुज़ुर्ग जो तकरीबन 60-70 बरस के थे, उन्होंने फरमाया, बेटा एक बात आज लिख लो जो शायद आइंदा चंद अशरों में साबित होगी, और ये तहरीर नहीं अमेरिका की किस्मत है जो आज नविश्ता दीवार है, मगर ये बदमस्त हाथी इस शेर की संजीदगी और हकीकत को समझने से आ रही है कि अफ़गानों को तारीखी तौर पर बज़ोर कुव्वत और तादाद फतेह करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये अफवाज जो आज सीना फैलाए बिफरे हुए सांप की तरह हमलावर हैं मगर तारीख से नाबल्द हैं। इंसान दुनिया में सब कुछ कर सकता है मगर तारीख का लिखा ना मिटा सकता है और ना टाल सकता है, और तारीख आज इनको चीख चीख के बता रही है कि ये अफगान और कोसार अल्लाह के हुक्म से बाकी रहेंगे और अगर नहीं रहेंगे तो ये नाकाम हमला आवर। तारीख ने 30 अगस्त 2021 को अपना अटल फैसला सुनाया और ताकतवरों को मुंह की खानी पड़ी। अब से 20 वर्ष पहले की बात मुझे याद रही और इसी बात से एक तारीखी असूल भी। तारीख हमें एक और बात सिखाती है कि हिम्मत और जज्बे के आगे तादाद, शुमारियात और तजियात अक्सर मार खा जाते हैं, मगर चूंकि इंसानी फितरत है कि वो मकदार क्वांटिफिकेशन पर ज़्यादा यकीन रखता है बनिस्बत इन पैमानों के जिनको नापने का शायद कोई इंसानी पैमाना नहीं है जिससे हिम्मत, जज्बा और साबित कदमी को नापा जा सके। अब से 1400 बरस पहले गज़वा बदर में 313 असहाब के जज्बे के मुकाबले में हज़ारों का लश्कर ना सिर्फ महज रेत की दीवार साबित हुआ बल्कि इस्लाम के अरूज का आगाज़ भी। शायद तालिबान के आगे ये तारीख थी और उन्होंने इस अददी फ़र्क के आगे अपने जज्बा जहाद को मानना पड़ने दिया और एक नई इस्लामी रियासत की तश्कील का आगाज़ किया। अमरीकी अफवाज इस संगीन गलती
ने इस अहम तरीन इस्लामी तारीख को नज़रअंदाज करने की भारी कीमत चुकाई और शिकस्त खाई। यही वो तारीखी गलती थी जो अमरीका और इसके तहादियों से सरजद हुई और वो सही पैमाना न ला सके जिससे तालिबान की कुव्वत को नापा जा सकता। मेरे ख्याल में इस तारीखी शिकस्त और शर्मिंदगी से बचा जा सकता था अगर अफगान जंग में तालिबान की कुव्वत को सही पैमाने से नापा जा सकता, जो जंग के आगाज के से कबल होता तो मॉडर्न वॉरफेयर के इंसानी, मुआशी और जंगी वसाइल बचाए जा सकते थे, और वो पैमाना था साबित कदमी और तारीख का मुतालिया जो अफगान का अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के मुकाबले में कदरे बेहतर था। और यही बात मैंने अपने आर्टिकल को ख़त्म किया, अफगान बाकी कोसार बाकी अल हुक्म लिल्ला अल मुल्क लिल्ला। तो नाज़रीन, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस मेरी तहरीर में ऐसी क्या चीज़ है जो कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को हार्म करती है और ये सोशल मीडिया के जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनकी इसमें जो है उनको हार्म फील होता है इसमें, या वो उसमें रिजर्व फील होते हैं। ये तो वही चीज़ है जो कि सभी लोगों के दिलो दिमाग पे थी पहले ही, और सभी को पता था कि अमेरिका यहाँ से पसपा होकर जाएगा। बस इसमें मैंने कुछ अपने तजियात को शामिल किया और वो एनालिसिस इसमें डालने की कोशिश की जो कि इस्लाम से, हिस्ट्री से और अफगान की हिस्ट्री से इसमें लाए करते हैं। और फेसबुक को ये मेरी तहरीर बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने मेरी पोस्ट को डिलीट कर दिया और इसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट दिया। तो मैं इस वी लॉ के अगेंस्ट आपकी इस राय को जानना चाहता हूँ कि इसमें गलत क्या था, इसमें कहाँ गलती सरजद हुई जो कि सोशल मीडिया को पसंद नहीं आई। सो काइंडली, अगर उन्हें पसंद नहीं आई मगर आपको पसंद आई तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस पेज को सब्सक्राइब करें, चूँकि इस पेज में हम इस तरह की सारी चीज़ों को शेयर किया करेंगे और एक डिस्कशन और एक हेल्दी डिस्कशन और एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से तजियात को रखा करेंगे। तो अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिए।